आज हमारा है डे 6 और आज हमारी है ग्रोथ जर्नी होने वाली है कंप्लीट। और मुझे आप लोगों के साथ ये चैलेंज लेके काफी अच्छा लगा, मुझे बेहतरीन रिजल्ट्स मिले, आप लोगों को भी बेहतरीन रिजल्ट्स मिले। बहुत प्यारा सा फीडबैक आप लोगों ने मेरे साथ शेयर किया, जितनी भी हेयर प्रॉब्लम्स थी हमारी, यानी कि हमारे बाल डैमेज थे तो मैंने आप लोगों को रेमेडी दी है, कैसे आप अपने बालों को लंबा, घना, हेल्दी, शाइनी, स्मूथ बना सकते हैं। इन 5 डेज के दौरान हम सारी चीजें कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज है हमारा लास्ट वाला डे और आज हम क्या करने वाले हैं, जो इन 5 डेज के अंदर अंदर हमने इतने सारे डीआईवाई यूज किए हैं उन सबको हम लॉक करने वाले हैं आज हमारे बालों पे। लॉक मतलब कि इनका जो रिजल्ट आप लोगों को 5 डेज के अंदर मिला है ना, वो रिजल्ट लॉक हो जाएगा और लॉन्ग लास्टिंग इसके रिजल्ट्स आपको मिलते रहेंगे। ठीक है। और आज का डीआईवाई उन लड़कियों के लिए भी है जो ऐसा कुछ चैलेंज लेना नहीं चाहती हैं, जिनके पास टाइम नहीं है, वो बालों की केयर बिल्कुल भी करना नहीं चाहती हैं, लेकिन फिर भी ये चाहती हैं कि हमारे बाल सिल्की शाइनी स्मूथ और अच्छे बने, हेल्दी बने। तो आज का डीआईवाई आप ट्राई कर सकते हैं। आज का डीआईवाई आप 15 दिन में एक बार कर सकते हैं, महीने में एक बार कर सकते हैं, जैसे मर्जी आपका पास टाइम है वैसे मर्जी आप ये डीआईवाई कर सकते हैं। तो आज हम किसका यूज करने वाले हैं, आज हम यूज करने वाले हैं हीना का। हीना, तो हीना मतलब नाम मेहंदी, नाम से ही पता चल रहा है कि कितना पावरफुल इंग्रेडिएंट्स है। आज मैं बताऊंगी कि 3 तरीकों से आप हीना का एप्लीकेशन अपने बालों पे कर सकते हैं। 3 तरीकों से जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसी प्रॉब्लम के अनुसार आप हीना को मिक्स कीजिएगा और लगा लीजिएगा। आपको पता है कि हीना की जो शुरुआत है वो 1200 ईस्वी पूर्व इजिप्ट से हुई थी, ना कि इंडिया से। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इंडिया से शुरुआत हुई थी, बिल्कुल भी नहीं, इजिप्ट से इनकी पहली शुरुआत हुई थी, इनकी मतलब हीना की। उसके बाद इंडिया में धीरे धीरे करके इसको ब्यूटी के तौर पे, डाई के रूप में इसका यूज होता गया। तो सबसे पहला, अगर आप अपने डैमेज बालों को रिपेयर करना चाहते हैं, मतलब कलरिंग करवाने से आपके बाल काफी ड्राई डैमेज हो गए हैं, उनका जो नेचुरल कलर था वो चला गया है, तो आपको हीना किस चीज में लगानी है। सबसे पहले मैं बता दूं, हीना अगर आप अच्छी क्वालिटी की लेंगे तो ही आपके बालों पर वो अच्छा रिजल्ट दे पाएगी। मार्केट में बहुत सारे ब्रांड हैं, समझ नहीं आता है कि कौन सा ब्रांड चूज करना चाहिए, तो मैं हमेशा पतंजलि, क्योंकि पतंजलि की जो ये पैकिंग है काफी अच्छी पैकिंग है, 100 ग्राम की इसकी पैकेजिंग है। और ये जो हीना है ये आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करती है, आपके प्री मैच्योर ग्रे हेयर को ब्लैक बनाने का काम करती है। और इसके अंदर सिर्फ हीना ही तो नहीं है, इसके अंदर नीम है, इसके अंदर मुलेठी है, इसके अंदर फेनुग्रीक है, इसके अंदर आंवला है, सिकाकाई है, रीठा है, मतलब सारी चीजें आपको ऑल इन वन पैक के अंदर मिल जाती है और जो आपके बालों के लिए काफी बेनिफिशियल। तो हाँ, क्या मैंने बोला था, जिनके ड्राई डैमेज और जो भी आपकी प्रॉब्लम मैंने पहले बताई है वो कैसे लगाएंगे, आपको हीना ले लेनी है। हीना किसके अंदर डालना है, आपको आयरन की कढ़ाई के अंदर। आयरन काफी जरूरी होता है आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए, आपके बालों को ब्लैक बनाने के लिए आयरन काफी जरूरी है। और ये आयरन कहाँ से मिलेगा, लोहे की कढ़ाई से। अब उसके अंदर हीना डाल देना है जितना भी आपको डालना है। उसके बाद आपको इसके अंदर डालना है दही। जी हाँ, आप हीना को दही के अंदर सिंपली मिक्स कीजिए और 1 घंटे के लिए रखना है, रात भर नहीं छोड़ना है, 1 घंटे के लिए आपको रखना है। जो ये दही है ये आपके डैंड्रफ को क्योर करेगी, ये आपको आपके बालों को काला बनाने का काम करेगी, ये आपके बालों को रेशमी बनाने का काम करेगी, ये आपके स्प्रिट्स एंड की प्रॉब्लम को कम्प्लीटली हटाने में आपकी हेल्प करेगी, ये आपके स्कैल्प को हेल्दी बनाने का काम करेगी। दही का बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। तो दही के साथ इसका एक पैक साथ तैयार करके आप अपने बालों पर लगा लीजिएगा, जिन लोगों के जो भी प्रॉब्लम है जो मैंने बताई है। अब बात करते हैं कि अगर आप अपने बालों को हेल्दी बनाना चाहते हैं, अगर आप अपने बालों में केराटिन ट्रीटमेंट जैसा असर देखना चाहते हैं, तो आप हीना कैसे लगा सकते हैं। आप हीना सेम वैसे ही लोहे की कढ़ाई में हीना डाल लेनी है, लोहे की कढ़ाई कंपल्सरी है। अब आपको इसके अंदर डालना है दूध। जी हाँ, दूध के अंदर प्रोटीन होता है और जो केराटिन ट्रीटमेंट किया जाता है उसके अंदर भी किसी प्रोटीन का ही यूज किया जाता है, केराटिन प्रोटीन ही होता है उसका यूज किया जाता है। तो दूध के अंदर भर भर के प्रोटीन है, भर भर के विटामिन्स मिनरल्स हैं, भर भर के ऐसे ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपके बालों को हेल्दी बनाने का काम करेंगे। चमक, सिल्क बोलते हैं ना, वैसा इफेक्ट आपको आपके बालों पे दिख सकता है अगर आप दूध के अंदर हीना मिक्स करके लगाते हैं, तो आपको डबल फायदा मिलता है। तो इस तरीके से आपको दूध के साथ मिक्स करना है। आप चाहें तो आप इसको रात भर के लिए छोड़ सकते हैं और सुबह उठ के आप इसको लगा सकते हैं। इसका कलर आपका हल्का सा चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा ब्लैकिश कलर में आ जाएगा। तो 2 तरीकों से आपने लगा ली। अब आता है 3rd तरीका, जो मैं करती हूँ। वो क्या होता है, आपको आंवला लेना है, आपको शिकाकाई लेना है, आपको रीठा ले लेना है।
आप चाहें तो आप फेनुग्रीक सीड भी ले सकते हैं, आप चाहें तो इसके अंदर करी लीव्स भी डाल सकते हैं। उनको अच्छे से 2 गिलास पानी के अंदर अच्छे से उबालना है, जब तक उबालना है जब तक कि आपका ये जो 2 गिलास पानी हमने लिया है ये हाफ ना रह जाए, 1 गिलास पानी ना रह जाए। फिर हम क्या करेंगे, जैसे हमारा 1 गिलास पानी रह जाएगा हम इसको रात भर के लिए छोड़ देंगे। रात भर के लिए क्यों छोड़ रहे हैं, ताकि एक तो ये अच्छे से ठंडा हो जाए और ये जो हमारे इतने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं ये अपना प्यारा सा कलर, अपने प्यारे से न्यूट्रिशंस पानी के अंदर छोड़ दे। फिर सेम वैसे ही आपको एक लोहे की कढ़ाई लेनी है, सुबह उठ के आपको अच्छे से रब करना है इनको, ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए, पानी को आपको छान लेना है। फिर लोहे की कढ़ाई में आपको क्या लेनी है, मेहंदी जितनी आप लगाना चाहें, और धीरे धीरे करके ताकि उसके अंदर लम्स ना पड़े, आपको धीरे धीरे करके आपकी जो मेहंदी है वो उसका एक पैक, एक प्यारा सा पैक आपको बना लेना है। ठीक है, बना के आप चाहें तो अगर आपके यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी है तो सिर्फ 1 रात के लिए रखिएगा, क्योंकि अगर ज़्यादा रातों के लिए रखेंगे, आप ज़्यादा डेज के लिए इसको बना के रखेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। अगर आपके यहाँ ठंडी है तो आप इसको 2 दिन के लिए भी रख सकते हैं, फॉर बेस्ट कलर के लिए। अगर आप इस तरीके से हिना को लगाएंगे 2 दिन बाद, अगर आप हिना का एप्लीकेशन बालों पे करते हैं तो उससे आपको रेड कलर नहीं आता है बालों में, आपके बालों में आपको ब्लैकिश कलर दिखेगा। जी हाँ, जो आपके वाइट बाल हैं उन पे आपको ब्लैकिश कलर दिखेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप हिना अपने बालों पे लगा सकते हैं। आप चाहें तो दही में डाल के लगाइए, आप चाहें तो दूध में डाल के लगाइए, और आप चाहें तो आंवला, रीठा, शिकाकाई, ये जो है इतने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं इनके साथ लगाइए। देखिए, जिन लड़कियों के ड्राई बाल हैं मैं बोलूँगी कि आप दूध में लगाइए, क्योंकि जो ये इंग्रेडिएंट्स हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स लिए हैं इनसे आपके बालों में ड्राइनेस आ जाएगी, ऊपर से हिना भी आपके बालों को थोड़ी सी ड्राई कर देगी, क्योंकि वो आपके मॉइस्चर को खींच लेती है कलर देने के लिए। तो इसीलिए ये जो लास्ट वाला पैक है इससे आपके बाल हल्के से ड्राई हो सकते हैं, लेकिन दही वाले और दूध वाले पैक से आपके बाल बिल्कुल भी ड्राई नहीं होने वाले हैं, आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ज़्यादा तामझाम नहीं करते हैं तो हिना का एप्लीकेशन अपने बालों पे कर सकते हैं 15 दिन में 1 बार या फिर महीने में 1 बार, बाकी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप ऑयल लगा लीजिए होममेड, और आप शैम्पू कर दीजिए, और आप सीरम लगा लीजिए, और साथ के साथ ये हिना भी लगाते रहिएगा। ओके, तो इस तरीके से बेहतरीन रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं, और आई थिंक कि ये जो हमारी 6 डेज की जो जर्नी थी आपके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल रही होगी, और मेरे लिए तो अमेजिंग और अमेजिंग रिजल्ट्स रहे हैं। अमेजिंग, मेरे बालों में शाइन आई है, लस्टर आया है। लेंथ की मैं बात नहीं कर सकती क्योंकि लेंथ इंक्रीज हुई है नहीं हुई है मैंने इंची टेप के साथ तो नहीं मापा है, लेकिन बाल मेरे काफ़ी हेल्दी हो गए हैं। और आशा करती हूँ कि आप जो जो भी अभी इस चैलेंज को ले रहे हैं आप भी मेरे साथ इंस्टाग्राम पे आएंगे और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करेंगे। ये था आज का छोटा सा प्यारा सा वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। मैं मिलती हूँ एक और प्यारी से अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए पानी पे खुश रहें, खुश रखें, बाय।